तहरीके इंसाफ के बानी रुकन और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी नईमुल हक कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के आरजे में मुबतला थे। नमाज जनाजा कल डिफेंस की मस्जिद आयशा में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वजीर आजम का नईमुल हक के इंतकाल पर ताजियत का इजहार, ट्वीट पैगाम में लिखा, पुराने दोस्त के इंतकाल पर शदीद सदमा हुआ। नईमुल हक 23 साल जिदोजहद में हर आजमाइश में साथ खड़े रहे, कैंसर का बहादुरी से मुकाबला किया। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का भी इजहार अफसोस। चौधरी बरादरान ने कहा, नईमुल हक मुहिब्बे वतन सियासतदान थे। शहबाज शरीफ का नईमुल हक के अहले खाना और तहरीक इंसाफ से ताजियत का इजहार। तस्लीम करता हूँ, आटा चीनी महंगा होने में हमारी कोताही है, वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। लाहौर में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, इंक्वायरी में नाम सामने आ रहे हैं, महंगाई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। नैब के लाहौर में शरीफ फैमिली के दफातर पर छापे, कंप्यूटर्स और लैपटॉप समेत अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी और अताउल्ला तारड़ का दफातर का दौरा, कहा वारंट मौजूद थे तो लॉकर्स तोड़ने की क्या जरूरत थी। मरियम औरंगजेब ने छापों को जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। अपोजिशन ने पहले भी धरना दिया, अब भी कोई पाबंदी नहीं। अगर फजल रहमान हुकूमत का तख्ता उल्टाना चाहते हैं तो इसी बुनियाद पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, मौलाना बताएं उनको किसने कहा। और कबड्डी वर्ल्ड कप का फाइनल कल पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के साथ खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ईरान को 30 के मुकाबले में 52 पॉइंट से शिकस्त दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा नईमुल हक कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। पीटीआई कराची के रहनुमाओं की अस्पताल आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर मजीद ने हमें ज्वाइन किया। आमिर, आगाह कीजिएगा डिटेल से। जी बिल्कुल महक, नईमुल हक पीटीआई के सीनियर रहनुमा अब से कुछ देर कबल निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप थी वो यहाँ पर आई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, इसके अलावा वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंध असम्बली शमीम नकवी भी यहाँ पर आए। इसके अलावा पीटीआई के एमपीए और एमएनएस भी यहाँ पर पहुँचे। अहले खाना के साथ उन्होंने ताज़ियत की, यहाँ पर मीडिया टॉक भी की, उन्होंने अपने गम का और अफसोस का इजहार भी किया। इस वक्त तमाम जो मर्कज़ी लीडरशिप है वो अहले खाना से ताज़ियत करने के बाद यहाँ से रवाना हो चुकी है। अब नईमुल हक के जो रहायशगाह है, तमाम लीडरशिप वहाँ पहुँच चुकी है, उनके अहले खाना भी जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। अलबत्ता जो नईमुल हक की जो लाश है अभी तक अस्पताल में ही रखी गई है। कल बाद नमाज असर जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आयशा मस्जिद, बेहद शुक्रिया तफसीलात से मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वालिदा लंदन पहुंच गई हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर शरीफ फैमिली के स्टाफ और कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। बेगम शमीम अख्तर अपने बेटे मियां नवाज शरीफ की इयादत करने लंदन पहुंची है। 24 फरवरी को नवाज शरीफ के दिल का अहम प्रोसीजर शेड्यूल है। बेगम शमीम अख्तर लंदन में अपना तिबी मुआयना भी कराएंगी। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट की ये मनाजिर जहाँ पर शरीफ फैमिली के स्टाफ और कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। अब तक के लिए इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम इमरजेंसी वार्ड, देखते रहिए समा।